carry my heart. हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन विद रवित्रिया। एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैशन विद रवित्रिया में। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर सी यूनिक सी स्कर्ट जिसका नाम है हैंकरचिप स्कर्ट। इसकी जो हमारी शेप होती है वो हैंगिंग हैंकी की तरह होती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो हैंकरचिप स्कर्ट पड़ा है। और ये स्कर्ट का जो फ्लेयर है वो आपको वेडिंग गाउन्स और ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको जो है आप डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट पैटर्न्स में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स में भी बना सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी होती है। और आप इसको बहुत ही यूनिक लुक भी दे सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्कर्ट है, तो आज के इस वीडियो में हम इसे सीखेंगे। और आप सभी से कहना चाहूँगी बिना किसी देरी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप मेरा वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट और ये बहुत ही प्यारी सी स्कर्ट सीखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो रिक्वायर्ड मेजरमेंट है वो हमारी राउंड वेस्ट और स्कर्ट लेंथ है। आज की ये जो स्कर्ट है वो मैं बच्ची के लिए बना के बता रही हूँ क्योंकि ये आप लोग ट्राई करेंगे ज़रूर। अगर आपके घर में कोई नन्ही सी परी है तो ज़रूर इस पर ट्राई कीजिएगा, ये स्कर्ट बहुत ही सुंदर लगेगी। तो जो हमारी राउंड वेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 6 इंच। और जो हमारी स्कर्ट लेंथ है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 11 इंच। 11 इंच में 1.5 इंच में ऐड करूँगी, 0.5 जो है ऊपर की ओर ऐड होगा और जो 1 इंच है वो नीचे की ओर हमारी हेमलाइन पर अलाउंस है। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच अलाउंस जो है इसमें ऐड करना है। आज के मैं इस पैटर्न को मैं आपको ब्राउन पेपर पे नहीं बताऊंगी, आज के इस पैटर्न को जो है मैं बताऊंगी एक रफ़ फैब्रिक पर, क्योंकि पेपर पे मैंने ट्राई किया है तो इतने अच्छे से लुक आ नहीं रहा है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं इसको बनाऊँगी आपके साथ फैब्रिक पर। तो जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया हमारी जो स्कर्ट लेंथ है वो हम ले रहे हैं 12.5 इंच, यानी कि 12.5 इंच के हम स्क्वायर कट करेंगे दो, यानी 12.5 इंच इसकी लंबाई होगी और 12.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी। इस तरह के जो है हम दो पीस कट करेंगे 12.5 12.5, तो इस तरह से इसको डायगोनली फोल्ड करेंगे जिस तरह से मैंने आपको अभी करके दिखाया और उसके बाद एक और इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा टोटल 4 लेयर फैब्रिक हो गया है। तो इसी तरह से आपको भी दो कपड़े लेने हैं, उनको जो है इक्वल मेजरमेंट में कट करना है, 12x12, 14x14, 15x15, जितनी भी आपकी स्कर्ट लेंथ है उसको इस तरह से जो है फोल्ड करना है और फिर एक बार और फोल्ड करना है, जैसे हम फुल सर्कुलर स्कर्ट बनाते वक्त करते हैं। जैसा हम फुल सर्कुलर स्कर्ट बनाते वक्त करते हैं वैसा ही हमें फोल्ड करना है इस पर। तो हमारी जो राउंड वेस्ट है वो कैलकुलेशन के बाद आ रही है 6 इंच, तो जो 6 इंच है वो हम इसकी राउंडनेस लेंगे। तो राउंडनेस को अगर आपको अगर इसमें ज़िप ऐड करनी है तो आप 6 जो है इंच वही रखिए, और अगर आपको इसमें ज़िप ऐड नहीं करनी है तो आप इसको 1 इंच या 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें इलास्टिक देंगे तो वो अरेंज हो जाएगा। पर जो है एकदम परफेक्ट कर्व देने के लिए आपको क्या करना है, 3.5 इंच का मार्क इस साइड लगाना है और 3.5 इंच का मार्क आपको इस साइड लगाना है, और मिड से भी आपको 3.5 इंच जो है वो नीचे आकर एक मार्क लगाना है, और इन तीनों मार्क को एक कर्व शेप देते हुए अच्छे से जो है वो शेप दे देना है। तो मैं आपको इसको क्लोज से दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमारे तीनों पॉइंट्स जो हैं उनको मिलाते हुए एक स्लाइट कर्व जो है वो हमें ड्रॉ करना है। तो इसी तरह से हमारा जो कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे, इससे क्या होता है कि हमारी जो स्कर्ट का राउंड है, जो हमारी स्कर्ट का वेस्ट है वो बहुत ही परफेक्टली कट हो जाता है, इवन और ऑड नहीं होता है। तो इस तरह से अब हम इसको कट कर लेते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि इस तरह से हम जब कट करते हैं तो एक तरफ ऊँचा एक तरफ नीचा आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको और अच्छे से आपको इसीलिए इस वीडियो में बताया है। परफेक्ट जो है वो कर्व इस तरह से हम कट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी दोनों लेयर्स जो है वो कट हो गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हमें इसको करना है एक ट्विस्ट, हमको जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसको एज इट इज़ रखे रहने देना और जो हमारी सेकेंड लेयर है उसको इस तरह से हमें टर्न कर लेना है।
तो इस तरह से हमें अपनी जो सेकेंड लेयर है, जो हमारी ऊपर वाली लेयर है, उसको टर्न कर लेना है। और बस यहाँ पर हमारी जो है हैंकरचिप स्कर्ट का फ्लेयर है जो वो पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरह से हैंग करने पर इसका लुक आएगा। तो इस तरह से इसका जब हम हैंग करते हैं या हमारे जो वेयर करते हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं आप इसकी जो हेम लाइन है वो कितनी ब्यूटीफुल लगती है। इस पे अप एंड डाउन्स के जो हैं वो कर्व्स आप इजीली देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में भी बना सकते हैं। आप चाहो तो इसमें आप 3 से 4 लेयर ऐड कर लो, और आप चाहो तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक यूज़ करो, या आपका कोई वेस्ट फैब्रिक रखा हो, या आपकी कोई सुंदर सी सीफोन की या आपकी जॉर्जेट की साड़ीज़ हो, या हमारे स्कर्फ जो हम लोग बहुत सारे स्कर्फ्स लेते हैं, तो उनसे भी ट्विस्ट करके अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेल्ट बनाने के लिए 2 इंच जो है वो पट्टी कट कर लेनी है, और इसमें आपको इलास्टिक लेनी है। तो इस तरह से हम अपनी बेल्ट कट करेंगे। आप लोग को पहले के वीडियोस में बेल्ट बता चुकी हूँ, तो इस तरह से आप इसमें बेल्ट कट करेंगे और इसके अंदर इलास्टिक डालकर जो है इस तरह से हम अपनी स्कर्ट से अटैच कर देंगे। तो हमारी जो हैंकरचीफ स्कर्ट है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गई है। तो आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो आप पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।